हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन एंड क्राफ्ट। पुडिचा करंजा आज हम कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। खाजा करंजा भी इसे कहा जाता है। ये मल्टी लेयर करंजी है और आज हम इसे बनाने वाले हैं, इसकी ट्रेडिशनल प्रोसीजर देखने वाले हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले एक बाउल में हमने एक कप मैदा लिया है, साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दो बड़े चम्मच गरम घी डालने वाले हैं। संभाल के इसे हम मिक्स करेंगे और इसकी बिल्कुल ब्रेड जैसी कंसिस्टेंसी यानी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक इसे मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे मिलाते जाएंगे। हमें इसका डव बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट, तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम पानी यूज़ हुआ है क्योंकि हमने बहुत कम क्वान्टिटी में इसे बनाया है। इस तरीके से हम इसे ढक के एक घंटे के लिए साइड में रख देंगे। फिर एक पैन में हमने एक चम्मच घी लिया है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें आधा कप फ्रेश कसा हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ पे हम सारण बना रहे हैं। फिर इसमें 1/4 कप कसा हुआ गुड़ ऐड करेंगे और एक चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे हमें अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है। आज खाजा की यानी ये करंजी बनाते समय हम सूखे नारियल की जगह गीले यानी फ्रेश कोकोनट का यूज़ करने वाले हैं। तो जब ये गुड़ इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालने वाले हैं फ्रेश खोआ। फ्रेश खोआ का मतलब है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आप फ्रिज से निकला हुआ खोआ डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक गुड़ जल जाएगा। इसीलिए खोआ जब आप इसमें ऐड करेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर इसमें हम डालने वाले हैं कट करे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स की पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पर कुछ आलमंड्स, पिस्ताशू और काजू ऐड करे हैं। आप चाहे तो रेजिन्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है जब तक ये हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता। फिर इसे अब हम ठंडा होने देंगे। जब हम पुडिचा करंजा या खाजा करंजा बनाते हैं तो उसमें लगाने वाला साठा ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और फोर्क की मदद से हम इसे अभी फेंटने वाले हैं। हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है और फेंट फेंट के इसकी जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है वो लानी है। ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो चुका है। इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करने वाले हैं। हमें इसकी बटर की जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी होती है वैसी कंसिस्टेंसी लानी है। तो हम थोड़ा थोड़ा कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करते जाएंगे। मैंने अंदाजे से 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जब तक बटर जैसी कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है तब तक आपको थोड़ा थोड़ा कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करना है और इस तरीके से इसे फेंटते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी काफ़ी हद तक सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। इसे हम फेंटते जाएंगे। अगर साठा आपका बाद में गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं और इसे वापस फेंट सकते हैं, तो ये वापस से इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब 1 घंटा हो चुका है और जो मिक्सचर हमने भिगो के रखा था वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कूटने वाले हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जिसमें हम जो हैंड ग्राइंडर रहता है उसकी मदद से इस आटे को कूट कूट के इसे सॉफ्ट बनाएंगे। आजकल मिक्सर के जार में या फिर फूड प्रोसेसर में इसे मिक्स करा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिक्सचर होता था तो उसे पट्टे और सिलबट्टे की मदद से कूट कूट के इसे सॉफ्ट बनाया जाता था। तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस आटे को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके मैं 3-3 के 2 सेट बनाने वाली हूँ इस तरीके से। फिर पहला सेट लेंगे और उसे बेल लेंगे। हमें ये
पूरी तरह से बिल्कुल जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है उतना पतला से पतला इसे हमें बेलना है। पुड़ीचा करंजा या फिर खाजा करंजी जो रहती है उसमें जो लेयर्स होती हैं वो जितनी पतली हो उतना वो ज़्यादा फूलता है और उतने ही वो खस्ता बनते हैं, इसीलिए हमें इसे पतले से पतला होने तक बेलना है। हर एक लेयर या हर एक बॉल हम बेल के इसे साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम पहला सेट बना के लेने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों बॉल्स पूरी तरह से बेल के ली है। जब हम लास्ट वाली बॉल बेलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम ये साठा लगा देंगे। इसके बाद हम दूसरी बॉल का जो लेयर बेल के रखा था वो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर वापस साठा अप्लाई करेंगे। साठा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम तीसरा लेयर इस पे लगा देंगे और इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा साठा ऊपर लगा के हम इसे अभी रोल करने वाले हैं। हाथों की मदद से ही हम इसे जितना टाइट रोल बना पाए उतना टाइट इसका रोल बना लेना है। इस तरीके से हम एक सेट बनाएंगे तीन बॉल का यूज़ करके। सिमिलरली हम दूसरा सेट भी बना लेते हैं और इसे ढक के रखेंगे। इसके बाद ये सारण हमने बना के रखा था जो अभी ठंडा हो चुका है, फिर जो रोल हमने बनाया था उसे हम एक एक इंच के टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुड़ीचा करंजा या खाजा करंजी बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है सिंगल लाटी यानी सिंगल पीस का यूज़ करके हम बना सकते हैं, नहीं तो दो पीस एक के ऊपर एक रख के इसे मल्टी लेयर खाजा या मल्टी लेयर करंजी पुड़ीची करंजी हम बना सकते हैं। तो आज हम दोनों तरीके देखने वाले हैं। इस तरह से हम ये सारे पीसेस डिवाइड करके लेंगे। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर की जो लाटियाँ मैंने रखी, ऊपर के पीसेस जो रखे हैं वो आधे इंच में थोड़े से बड़े हैं। मतलब मैंने यहाँ पे सिंगल लेयर और मल्टी लेयर जो मैंने आपको बताया वही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, लेयर की साइड हम इस तरीके से रखेंगे और फ्लैट साइड को ऊपर से ऐसे दबाएंगे। अब हम इसे रोल करने वाले हैं। इस तरह से हमें इसकी जितनी पतली पूरी जैसा शेप बना सकते हैं उतना पतला इसे हम बेल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल राउंड ही हो, तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसे बेलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पतला मैंने इसे बेला है। तो अब हम इसमें सारण रखेंगे। इस तरह से जितना सारण इसमें समा पाए उतना रखना है। फिर इसके एजेस पे हम दूध लगाएंगे उंगली की मदद से और इस तरीके से इसे सील कर देंगे। सील करने के बाद 5 सेकेंड के लिए हमें वेट करना है ताकि ये चिपक जाए अच्छे से, फिर इसे हाथों पे उठा लेंगे। अब हम डबल लाटी इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने एक के ऊपर एक लाटी रखी है और सेम तरीके से इसे प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से इसे रोल करेंगे। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आप इसका डिफरेंस आसानी से नोटिस कर पाएंगे। इस तरह से हम इसमें अभी स्टफिंग भरेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लाटी हमने यूज़ करी है। सिंगल लाटी के हिसाब से ये हल्की सी मोटी रहेगी, इसीलिए जब आप रोल में से इसके लिए पीसेस कट करेंगे तो वो आधे आधे इंच के कट कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद हम यहाँ पे ये करंजी फ्राई करके लेंगे। एक तो आप सारी करंजी साथ में ही बना के उसे ढक के रख सकते हैं, नहीं तो आप साइड बाय साइड ये करंजियाँ फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते समय ऑयल मीडियम से हाई फ्लेम पे ही रखना है। ज़्यादा अगर आप कम फ्लेम रखेंगे तो करंजी उसमें टूट सकती है, इसीलिए मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल लाटी यूज़ करके हमने जो करंजी बनाई है वो कैसे दिखेगी। इस तरह से करंजी फ्राई करते समय उसके ऊपर ऑयल उड़ाते रहे, जिसकी वजह से ये करंजी के सारे लेयर्स फूल जाएंगे। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ऑयल उड़ा रही हूँ वैसे वैसे उसके लेयर्स फूल रहे हैं और ये बिल्कुल खस्ता दिख रही है अभी से ही। जब आप इसके ऊपर हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर्स महसूस करेंगे, नोटिस करेंगे, तब आप इसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है
ये देखिए करंजी फ्राई हो चुकी है अच्छे से और इसके लेयर्स भी आप नोटिस कर सकते हैं। इसे हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरी मल्टी लेयर करंजी भी फ्राई करके लेते हैं। ये करंजी नॉर्मल करंजी से थोड़ी सी ऑयली रहती है, इसीलिए इसका ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ्राई करने के बाद हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के रखेंगे और दिन में एटलीस्ट एक बार वो पेपर हम चेंज करेंगे ताकि इसका ऑयल निकल जाए अच्छे से। इस करंजी में हमने जो सारण यूज़ किया है उसके अंदर मावा और फ्रेश कोकोनट डाला हुआ है, तो ये करंजी 5 से 6 दिन से ज़्यादा टिकेगी नहीं, इसीलिए इसे जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और उतनी क्वांटिटी में ही बनाइएगा। और करंजी में और कौन से तरीके के सारण आप यूज़ कर सकते हैं उसकी रेसिपी जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारण बनाने की लिंक दी हुई है। ये देखिए ये सिंगल लाठी का यूज़ करके हमने जो करंजी बनाई है वो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाठी का यूज़ करके इस तरह से पूरी की करंजी बनाती है। इसके लेयर्स आप देख सकते हैं और सिमिलरली हमने यहाँ पे सिंगल लाठी का यूज़ करके ये करंजी बनाई हुई है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस है और ईजी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।